जनपद संभल के चंदोसी कोतवाली क्षेत्र में आज भारतीय बाल्मीकि समाज ने फिल्म खानदानी सफाखाना के प्रमोशन के दौरान फिल्म अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा द्वारा बाल्मीकि समाज के लिए जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करने से खफा भारतीय बाल्मीकि धर्म समाज के कार्यकर्ताओं ने फिल्म अभिनेत्री का पुतला फूंका और देश के प्रधानमंत्री तथा कानून मंत्री से ऐसे लोगों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की मांग की। इस विषय में भारतीय बाल्मीकि धर्म समाज के जिला संयोजक रोहित कुमार उर्फ रॉकी बाल्मीकि ने बताया कि जब ऐसे संभ्रांत लोग ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे तो फिर दूसरे लोग क्यों नहीं, इसलिए जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही होनी चाहिए। आज जो आपने चंदोसी फव्वारा चौक पर सोनाक्षी सिन्हा का पुतला फूंका है, वो क्या है पूरा मामला? पूरा मामला ये है, उसकी एक फिल्म रिलीज हुई है खानदानी सफाखाना, और उसके प्रमोशन के दौरान एक इंटरव्यू में उसने जो है वाल्मीकि समाज के मान सम्मान को ठेस पहुंचाने का काम करा, जिसमें वंग के शब्द का प्रयोग करा गया है, और इससे पूरे भारत के वाल्मीकि समाज में रोष है। जगह जगह उसके प्रदर्शन और पुतला फूंके जा रहे हैं, और वो एक ऐसे परिवार की जहाँ के दो बार उसके पिताजी सांसद रहे हैं, और एक बार उनकी पत्नी जो है उनकी माताजी जो नखलऊ से अभी समाजवादी पार्टी के चुनाव लड़ी थी सांसद का, ऐसे परिवार के लोग अगर जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करेंगे तो आम जनता और आम लोगों के बीच में ऐसा क्या संदेश जाएगा? अच्छा, आपने जो पुतला फूंका है इसमें किसी को ज्ञापन दिया अधिकारी को? नहीं, इसके खिलाफ FIR हो गई है। हम मीडिया के माध्यम से अपना रोष जता रहे हैं और इसकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं।